बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई। दरअसल नैनीताल के बजेड़ी में प्राथमिक विद्यालय में अचानक से आग लग गई, जिससे कि विद्यालय का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि इस दौरान आग में जरूरी दस्तावेज और फर्नीचर भी जल गए। वही दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की टीम पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। दरअसल मामला आज दोपहर का है, जब आग लगने से सनसनी मच गई। दरअसल जंगलों में लग रही आग ने इस दौरान स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि आगजनी के वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। स्कूलों में इस दौरान छुट्टियां चल रही है, जिससे कि कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि इस दौरान आग विद्यालय के कार्यालय और 3 कक्षाओं के कमरों में लग गई। वही स्कूल में लगी आग के चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर 12:30 बजे लगी आग को ग्रामीण इस दौरान पानी डालकर बुझाने में लग गए। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग को आग को काबू करने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बजेड़ी गांव के आबादी क्षेत्र में लगी आग तेज हवाओं और पिरुल के जलने से लगी है, जिससे कि इसने राजकीय जूनियर हाई स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।